नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से चैनल में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वॉज। पहला साइकोलॉजिस्ट पूछ रहा है ये, जिसने सिस्टमेटिक स्टडी की, किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सबसे पहले जो सिस्टमेटिक स्टडी की वो साइकोलॉजिस्ट कौन सा था? ऑप्शन आ वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गोल्टन एंड जीन पियाजे। करेक्ट आंसर विल बी जीन पियाजे। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी, द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वॉज जीन पियाजे। हालांकि आप सभी को पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जहाँ नाम आता है, नो डाउट आपके जहन में जीन पियाजे आता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जीन पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द। हेरिडिटी जो है आपका वंशक्रम या वंशानुगत, इसमें हिंदी में कह लें, हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द। किसमें हेरिडिटी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? ऑप्शन आर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हेरिडिटी की जहां बात आती है, तो हेरिडिटी अगर आपके माता पिता दुबले पतले हैं तो 99% संभावना यही होती है कि आप भी दुबले पतले होंगे। अगर आपके माता पिता हेल्दी हैं या हट्टे गट्टे हैं तो आप भी हेल्दी या हट्टे गट्टे होंगे। इसको अपन जनरल बात में करूं तो, अगर समझने के व्यू से अपन देखें तो सिंपल सी बात निकल के ये आ रही है फिजिकल डेवलपमेंट की। हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यहां पर ऑफ द चाइल्ड आप एड कर लें। हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए था वैसे इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये तीनों ही एनवायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। तीनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है एनवायरमेंट का, ना कि हेरिडिटी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड फॉर चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, चाइल्ड्स सोशल डेवलपमेंट, चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, चाइल्ड्स मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। जो ग्रोथ जो आपका टर्म है वो सीधा आप सभी को मालूम है जुड़ा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट से। ग्रोथ टर्म सीधा जुड़ा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट से, ना कि सोशल से, ना कि मेंटल से, और ना कि मेंटल और सोशल दोनों से। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटल सोशल और मेंटल और सोशल दोनों ही जुड़े हुए हैं डेवलपमेंट से। ठीक है, ये आगे हम देख लेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो, लेकिन ग्रोथ का सीधा सीधा संबंध होता है फिजिकल से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइटर ऑफ द बुक एडोलेसेंस इज, जो एडोलेसेंस काफी फेमस बुक है साइकोलॉजी की, उसके राइटर कौन है? राइटर पूछा है एडोलेसेंस बुक के राइटर कौन है। स्टेनले होल, हरलोक, फ्रॉड एंड एडलर। तो एडोलेसेंस के राइटर हैं स्टेनले होल, ये आपको याद रखना है। एडोलेसेंस के राइटर हैं स्टेनले होल एडोलेसेंस स्टेनले होल। हालांकि जहन में सबसे पहले आंसर स्टेनले होल ही आता है, क्योंकि काफ़ी कुछ अध्ययन इन्होंने एडोलेसेंस के ऊपर किया है, किशोर पर किया है, इसलिए स्टेनले होल का नाम सबसे पहले आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन डेवलपमेंट किसका परिणाम माना गया है? ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑप्शन बी है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑप्शन सी है सोशल फैक्टर्स एंड ऑप्शन डी है मोटिवेशनल फैक्टर्स। मानव का विकास की जहां बात करेंगे तो ये हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पर मानव के विकास की बात की है और मानव के विकास में दोनों ही चीजें जेनेटिक भी और एनवायरनमेंट भी, दोनों ही फैक्टर इसमें काम किया करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी एनवायरनमेंट की भी होती है और जेनेटिक का भी साथ ही साथ अहम रोल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस सेड बाय, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, चिंता और तूफानों का काल एडोलेसेंस को किसने कहा है? सभी को पता है, ऑप्शन सी स्टेनले हो लिए दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, ऑप्शंस देखते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक, इमोशनल एंड पर्सनल, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जहां बात आती है तो यहां पर दोनों ही फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट, दोनों ही काम करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों का ही अहम रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? ऑप्शंस आर एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एसेंशियल फैक्टर, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा नहीं है? तो अपन पहले ये देख लें कि कौन कौन से हैं। एक्सपीरियंसेस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ये भी है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी ये भी है, एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ये भी है, कॉम्बिनेशन ये नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर जो एसेंशियल होते हैं वो आपको याद रखने हैं, एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इमोशन, यहाँ पूछा गया है नेगेटिव इमोशन का। ऑप्शन है जॉय, एंग्जाइटी, होप एंड अचीवमेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी एंग्जाइटी, लेकिन ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जॉय, होप एंड अचीवमेंट, ये तीनों ही क्या माने गए हैं? पॉजिटिव इमोशंस। ये तीनों ही पॉजिटिव इमोशंस है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस है एंग्जाइटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये आपके टीजीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने की संभावनाएं होती है और काफी सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आए हैं कि कौन सा पॉजिटिव इमोशन है, कौन सा नेगेटिव इमोशन है, ये हर बार पूछ लिया जाता है। काफी इजी होता है लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडोलेसेंस पीरियड, कौन सा सत्य नहीं है एडोलेसेंस के पीरियड के बारे में? ऑप्शन आर एडोलेसेंस इज अ रिस्की पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज, ऑप्शन बी है एडोलेसेंट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मूड, अब्रप्ट फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडोलेसेंस पीरियड, कौन सा सत्य नहीं है? तो एडोलेसेंस इज अ रिस्की पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज, सही बात है, करेक्ट है। एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मूड, करेक्ट है, मूड में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। अब्रप्ट फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन एडोलेसेंस, सही बात है, सडन
अब्रप्ट का होता है, सडन यानी अचानक फिजिकल चेंजेस होते हैं, सही बात है। एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, तो ये हो जाएगा नोट ट्रू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोट ट्रू। लेकिन आपको ये तीनों ही विशेषताएं भी ध्यान रखनी है जो एडोलेसेंस के बारे में पूछी जा सकती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।